दोस्तों, भारत में जब भी कोई त्यौहार या सेलिब्रेशन मनाए जाते हैं वो खाने के बिना अधूरे से लगते हैं। दिवाली के अगले दिन ब्रज प्रांत में जैसे कि आगरा, वृंदावन, मथुरा, वहाँ पे एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है गोवर्धन। गोवर्धन त्यौहार पे एक बहुत ही स्पेशल सब्जी बनाई जाती है जिसमें आप कोई भी सब्जी, कोई लिमिट नहीं है, कोई भी सब्जी आप उसमें यूज़ कर सकते हो, कितनी भी वैरायटी की सब्जी यूज़ कर सकते हो। और वही स्पेशल रेसिपी मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए बनाएंगे अन्नकूट की सब्जी। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। इसके लिए मैं लूँगा सलोनी कच्ची खानी मस्टर्ड ऑयल जो कि बनता है अपनी फैक्ट्री में। और ये सब्जी खाली घरों में ही नहीं बनती है, मंदिर में भंडारे भी लगते हैं इसके, भंडारों पे हलवाई लोग बनाते हैं, तो वो भी सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं क्योंकि बेस्ट है इस रेसिपी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया, इसमें हम डालेंगे जीरा, हींग, बारीक कटा अदरक, बारीक कटी हरी मिर्च, इनको हम थोड़ा सॉटे करेंगे। अब इसमें जाएंगे कटे हुए टमाटर, दो से तीन टमाटर मैंने प्यूरी कर लिए हैं वो भी इसमें जाएंगे। और इसमें मैं डालूँगा थोड़ा सा नमक। तो आज जो हम ये स्पेशल सब्जी बना रहे हैं उसके लिए मैंने जो सब्जियाँ ली हैं उसमें है जिमीकंद, अरबी, आलू, सिंघाड़ा, रतालू, गाजर, हरी मटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मूली, काशीफल, लौकी, बैंगन और बीन्स। आप इसमें और भी सब्जियां यूज़ कर सकते हैं जैसे कि आपका ग्वार की फली है, सेम की फली है, सरसों है, मतलब आप कुछ भी डाल के बना सकते हैं। लेकिन कुछ सब्जियां हैं जो इसमें पड़ती पड़ती हैं, जैसे कच्चा केला है, जिमीकंद है, अरबी है, कचालू है, रतालू है, आलू है, ये जो रूट वेजिटेबल्स हैं ये इसमें जाती हैं। टमाटर हमारे गल गए हैं, अब इसमें हम जो हमारे पत्ते वाली सब्जी हैं पहले वो डालेंगे। इसमें मूली के पत्ते हैं मैंने चॉप कर लिए और पालक है क्योंकि ये पानी छोड़ती हैं, तो इसको हम पहले भून के इसका पानी सुखा लेंगे। इसमें हम थोड़े से ड्राई मसाले डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। अब इसमें मैं डालूँगा सारी मेरी जितनी भी जड़ वाली सब्जियाँ हैं और सिंघाड़ा। ये जो जड़ वाली सब्जियाँ हमने डाली थी उनको हमने 102 मिनट ऐसे जल्दी जल्दी तेज आंच में भूना, उसके बाद मैं इसमें बाकी की सब्जियाँ डालूँगा। सारी सब्जियों को अच्छे से मिला लिया है और इसको अब हम कवर करके 15 से 20 मिनट पकाएंगे। हमारी सब्जी को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं, ये लगभग अब ढंग से पक चुकी है। इसको हमने इसी स्टेज तक पकाना है ताकि सब्जियां पक भी जाएं ढंग से और दिखे भी कि हमने डाला क्या क्या है। तो इसको मैं फिनिश करूंगा एक स्पेशल मसाले से जो मोस्टली ब्रज प्रांत के जो हलवाई हैं वो उसको यूज़ करते हैं। उसमें वो लेते हैं एक भाग काली मिर्च और आधा भाग लौंग। अगर जो मैं वैसे बोलूँ तो एक चम्मच काली मिर्च और आधी चम्मच लौंग, इसको हम हल्का सा ड्राई रोस्ट करके इसको हम पाउडर कर लेंगे। वो मसाला मैं डालूँगा। मोस्टली जितनी भंडारे में सब्जियाँ या बेड़े की सब्जी बनती है उसमें ये जाता है। और उसके बाद मैं डालूँगा थोड़ा सा सब्जी का मसाला, थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, कसूरी मेथी और देसी घी, और उसको हम अच्छे से मिलाएँगे। तो लास्ट में इसमें जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया। लीजिए, हमारी अन्नकूट की सब्जी तैयार है, इसको हम परोसेंगे गर्मा गर्म पूड़ी के साथ। तो ये थी हमारी फेस्टिवल स्पेशल रेसिपी अन्नकूट। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग रेसिपीज को देखने के लिए हमारे चैनल फॉलो इन कच्ची खानी किचन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।